हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र के एस्ट्रो वार्ता चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आपको एक बार दोबारा से प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके सम्मुख माह दिसंबर 2020 का 12 राशियों का राशिफल लेकर के उपस्थित हुए हैं। मित्रों, एक एक राशि करके सारी राशियों के विषयों मतलब जातकों के विषय में जानकारी दी जाएगी, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे पास आजकल बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत प्रश्न आ रहे हैं लोगों के, जो हमारे दर्शक हैं उनका ये कहना है कि गुरुजी, जब भी आप राशियों की चर्चा करते हैं तो आप ये जरूर अवश्य बताएं कि ये जो आप राशिफल बता रहे हैं या राशियों से संबंधित जो भी आप चीज़ बता रहे हैं हमको, ये चंद्र राशि पर आधारित है या लग्न राशि पर। देखिएगा, ये हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, हमारा जो भी कार्यक्रम होता है राशियों को लेकर के, जहाँ पर राशि की बात हो गई, वो सिर्फ और सिर्फ लग्न राशि पर आधारित होता है। अब आपको ये भी समझा दें, जिन हमारे मित्रों को नहीं पता कि लग्न राशि क्या है, देखिए जो आपकी कुंडली है, जो आपका टेवा है, जो आपकी जन्म पत्रिका है, उसमें जो प्रथम भाव है फर्स्ट हाउस, वहाँ पर जो राशि लिखी हुई है 5, 4, 6, 8, 9 जो भी नंबर लिखा हुआ है, तो जो नंबर हो गया वही राशि है। यानी कि अगर वहाँ 5 लिखा है, 5 लिखा है, तो समझिए कि 5 नंबर पर सिंह राशि होती है, तो वो सिंह राशि हो गई, तो आपका सिंह लग्न हो गया। तो आप अपना जब भी देखें, जब भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं, तो आप सिंह राशि करके देखें। अगर आपके कुंडली में प्रथम भाव में कोई और अक्षर लिखा हुआ है, मान लीजिए 8 लिखा हुआ है, तो वृश्चिक राशि हो गई, तो आप वृश्चिक राशि से देखें, आप जब भी हमारा वीडियो देखें। तो ये लग्न आधारित है, लग्न राशि पर आधारित है पूर्णतया। तो आइए अब हम आपसे चर्चा करते हैं राशिफल के विषय में, लेकिन राशिफल से पहले आपको ग्रहों की स्थिति के बारे में बता दें कि इस अवधि में जो ग्रह हैं उनकी गोचर में आसमान में क्या स्थिति रहेगी, कौन ग्रह किस राशि में रहेंगे, कब तक रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे, कब वो वक्री होंगे, कब उल्टी चाल चलेंगे, कब वो सीधी चाल डायरेक्ट होंगे, सीधी चाल चलेंगे, कब वो अस्त होंगे, कब उदय होंगे, इस प्रकार की जानकारी आपको दे देते हैं। क्योंकि हमारे पास इस बात को लेकर के भी बहुत लोग जो हैं, हमारे दर्शक लोग, उनकी ये आती है कि आप जो हमें बताते हैं ये राशिफल से पहले ग्रहों की स्थिति के विषय में, ये हमारे लिए बहुत, एक तरीके से हमारे लिए बहुत काम का विषय है, हमें बड़ा आसानी से समझ में आ जाती हैं चीज़ें। तो उन्हीं की आसानी के लिए हम ये सब आपके साथ इतनी मेहनत करके आते हैं, लेके आते हैं ये सब आपके सम्मुख। तो आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले ग्रह गोचर स्थिति की। तो देखिए, सूर्य देव वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, जो कि 15 दिसंबर 2020 की रात्रि 9:31 पर इस राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे तथा माह के अंत तक वे रहेंगे इसी राशि में स्थित। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मीन में संचार कर रहे हैं, 24 दिसंबर 2020 को प्रातः 10:18 पर ये मीन राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि मेष में मार्गी एवं उदय अवस्था में प्रवेश करेंगे। बुध वर्तमान में अपनी समराशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, 17 दिसंबर 2020 को प्रातः 11:37 पर ये मार्गी और अस्त अवस्था में इस राशि से निकलेंगे और अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे, जहां पर इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ होगी और यही स्थिति माह के अंत तक बनी रहने वाली है। गुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में उदय एवं मार्गी अवस्था में अपनी सम ग्रह शनि के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि तुला में संचार कर रहे हैं, 11 दिसंबर 2020 को ये अपनी इस राशि से निकल करके प्रातः 5:16 पर अपनी समराशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और पूरे माह फिर ये इसी राशि में ही स्थित बने रहेंगे। शनि ग्रह मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार कर रहे हैं अपने समग्रह गुरु के साथ, और जैसा कि हमने कहा कि गुरु इस समय नीच अवस्था में शनि के साथ विराजमान है,
और ये संचार इसी प्रकार होता रहेगा पूरे माह। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे इसी प्रकार, और केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में इसी प्रकार संचार पूरे माह करते रहेंगे। तो ये था मित्रों ग्रह गोचर की स्थिति। आगे अब आपसे चर्चा करते हैं आपके राशिफल के विषय में। तो अब हम आपके साथ जो चर्चा करेंगे जो कर्क राशि के जातक हैं उनके माह दिसंबर 2020 के राशिफल के विषय में करेंगे चर्चा, और सबसे पहले आपके व्यवसाय के विषय में आपको जानकारी देंगे। तो इस माह आपके अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित हालात मध्यम रहेंगे। अब क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति अपनी नीच अवस्था में आने के कारण भाग्य में तो अवरोध पैदा होंगे ही, जैसे कि अगर आपकी अपने विभाग में पदोन्नति होनी तय थी तो वह अभी लंबित रहेगी। साथ ही आने वाले कुछ महीनों में आपको उन्नति के अवसर भी प्राप्त नहीं होंगे, और अगर अवसर प्राप्त होते भी हैं तो आप उन अवसरों का लाभ नहीं ले पाएंगे। अब क्योंकि आपके व्यवसाय के घर के स्वामी की स्थिति अच्छी होने से आपके अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां सामान्य रूप से तो चलती रहेंगी। हालांकि माह के आरंभ से माह के मध्य तक पितृ दोष बनने के कारण आपके जो कार्य हैं जो आप कर रहे हैं आपके ही द्वारा जो संचालित मैनेज किए जा रहे हैं उनको पूरा करने में कुछ या तो विलंब हो सकता है या थोड़ा सा बाधा या विघ्न कुछ परेशानियां बीच में छोटी मोटी आ सकती हैं, और वो कार्य जो है आपके विलंब के साथ पूरे होंगे। इस प्रकार की कुछ परिस्थितियां बनेंगी। इस माह और आने वाले कुछ महीनों तक भी आपकी अपनी सोच एवं विचारों से लोग प्रभावित तो रहेंगे, तथा आप अपनी बुद्धि और ज्ञान का पूरा पूरा प्रयोग अपने विभागीय कार्यों को कार्यान्वित करने में लगाएंगे, और इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं मिलेगा, लाभ मिलेगा। आने वाले दिनों में आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। माह के उत्तरार्ध में मंगल आपके व्यवसाय के घर के स्वामी अपने ही घर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, और जैसे ही ये मेष राशि में इनका प्रवेश होगा मित्रों बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण होगा, जिसका प्रभाव आपको अपने रोजगार या व्यापार में स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। आपको बहुत ही अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होनी आरंभ हो जाएगी तब से, तथा आपकी अपनी स्थिति अपने विभाग में दिन प्रतिदिन बहुत मजबूत होती जाएगी। वित्तीय स्थिति, आपके आय के साधन बने रहेंगे, धन के आगमन में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। माह के मध्य तक आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपका संचय किया हुआ धन कहीं ऐसी जगह पर व्यय ना हो जिसका आपको आने वाले समय में कोई लाभ ही ना मिले। इस माह के मध्य तक आपको सुख सुविधाओं का पूरा लाभ प्राप्त होगा। यह माह आर्थिक रूप से सामान्य से ऊपर रहेगा। प्रेम संबंध, आप कर्क राशि के जातकों को अपने प्रेम संबंधों को लेकर के जो भी आप प्रयास करेंगे या करने की चेष्टा करेंगे अपने प्रेम संबंधों को विकसित करने के लिए या उन्हें मजबूत करने के लिए, उसके लिए आपके पास समय का बहुत अभाव रहेगा, जिसके कारण इन चीज़ों में प्रगति नहीं हो पाएगी, और इस प्रकार की स्थिति अभी कुछ दिन ऐसे ही चलेगी। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में मिले जुले परिणामों की आपको प्राप्ति होगी, लेकिन अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपको सचेत रहना होगा, साथ ही उनका ध्यान भी आपको रखना होगा। पारिवारिक संबंध, इस माह के मध्य तक आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंध तनावपूर्ण बने रहेंगे, लेकिन माह मध्य के उपरांत आपके संबंधों में सुधार होगा। छोटे भाई बहनों की ओर से सहयोग में कमी बनेगी। शिक्षा, छात्रों की शिक्षा भी माह के मध्य तक प्रभावित रहेगी, हालांकि माह मध्य के उपरांत उसमें धीरे धीरे सुधार आएगा और परिणामों में भी अनुकूलता बनेगी। संतान, इस माह आपकी अपनी संतान अपनी ओर से तो अच्छा करने की ही कोशिश करेगी, लेकिन माह के मध्य तक तो अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति उनको नहीं हो पाएगी, लेकिन उसके पश्चात परिणाम आपके अपने अनुकूल प्राप्त होने आरंभ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। स्वास्थ्य को लेकर आपको पूरे महीने ही बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, विशेष रूप से माह के मध्य तक। ये तो था आपका राशिफल कर्क राशि के जातकों का माह दिसंबर 2020। अब जो आपके भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं जिनका अभी हमने उल्लेख किया है कि ये आपको आ सकती हैं इस माह इस अवधि में, उनसे छुटकारा पाने के लिए या उनमें कमी लाने के लिए क्या उपाय किए जाएं, वो उपाय हम आपको बता देते हैं। अगर आप करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं देखिए कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे तो क्या करना है, और आपके भाग्य में वृद्धि हो तो प्रत्येक गुरुवार आप केले के वृक्ष की पूजा करिएगा, चने की दाल, गुड़, हल्दी, पीले पुष्प, जल, धूप आदि से, तथा वहीं पर बैठकर गुरु बृहस्पति देव के मंत्र का 108 बार उच्चारण कीजिएगा, जप कीजिएगा, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का। और सूर्यदेव को प्रतिदिन जल अर्पित करना ना भूलें स्नान आदि के पश्चात, और प्रतिदिन शिव सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें, चाहे 10 ही मिनट करें, और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा अपने हाथों के द्वारा अवश्य खिलाएं। ये हैं बहुत सरल और आसान उपाय, अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। आपको ये राशिफल कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वह भी आप तक आसानी से पहुंच सकें, समय अनुसार आप उनका भी लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।